हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक राज्य सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस बैठक में केंद्र सरकार के पहले बजट सत्र की तारीखों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंत्रिमंडल की ओर से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र की तारीख को प्रस्तावित किया गया है। इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित हैं। बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सुखाश्रय सहायता कोष बजट के साथ अनुमोदन किया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को बजट के साथ अनुमोदन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई है। कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के समय कुछ प्रस्तुतियां सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी। आपको ज्ञात होगा कि 11 दिसंबर को जब मैंने ओथ ली थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वहाँ बालिका आश्रम गया था, उन बच्चों से हमने कुछ सीखा। सीखने के बाद हमने एक योजना लाई और आज उस योजना का अनुमोदन कैबिनेट ने बजट के साथ कर दिया। उन अनाथ बच्चों का, जिनका इस समाज में ना माता है ना पिता है, हमने कहा कि सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही इनकी पिता है। इस दृष्टिकोण से आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की भी स्थापना की गई और 101 करोड़ रुपए का ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का स्थापना की गई है, जिसमें 3 करोड़ रुपया अभी और भी इकट्ठा हो चुका है और सभी विधायक मिनिस्टर्स ने 1-1 लाख रुपया अपनी सैलरी से दिया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सहायता कोष के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों ने 1-1 लाख रुपए का दान दिया है। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों के लिए सुंदरनगर और ज्वालामुखी में कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होंगे। इसके लिए 80-80 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री कार्यालय की जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार उनका ख्याल रखेगी, उनको मकान बनाने के लिए भी 3 बिस्वे जगह देगी, उनको हर महीने 4,000 रुपये की पॉकेट मनी देंगी। ऐसे 6,000 बच्चे, उसका विस्तृत प्रेस नोट आपके सामने आ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी, कि आप लोगों के कुछ लोगों ने हमें इस बारे में सुझाव दिए, उस सुझावों को भी हमने अमली जामा पहनाया है और आज समाज के उन लोगों को हमने हक दिया है। पहला हक हमने सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करके दिया था और ये कहा था कि सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, पहली कैबिनेट को 13 जनवरी को हमने उन्हें बजट के साथ ये हक दिया और दूसरा हक समाज के उन अनाथ बच्चों को दिया, ना जिनके माता है ना जिनकी पिता है, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस उद्देश्य से आज इस कैबिनेट ये बैठक हुई है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।